आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूँ। इस देश में इंसाफ बहुत महंगा है। ये बातें हम और आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन कई बार इसकी कीमत कई जिंदगियों से भी महंगी हो जाती है। और इसीलिए आज की ये बहस बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप केस की, जिसकी पीड़िता इंसाफ की जंग में अपने पिता को खो चुकी है, मुकदमे के एक अहम गवाह को खो चुकी है, एक दिन पहले ही अपनी चाची और मौसी को भी खो चुकी है और इस वक्त खुद जिंदगी के लिए लड़ रही है। लेकिन इंसाफ अब भी बहुत दूर है। कहने को तो कल एक सड़क हादसा हुआ जिसमें कार और ट्रक की टक्कर हुई और हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। लेकिन सवाल बड़ा ये कि क्या ये वाकई एक हादसा है? सवाल इसलिए क्योंकि इस केस में लगातार ये चौथी मौत है। हर हादसे में इस पीड़िता के साथ ही ऐसा हो रहा है, ये महज इत्तेफाक कैसे हो सकता है? और इसीलिए ये बड़ी बहस हम जी न्यूज पर लेकर आए हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। उससे पहले आपको एक ताजा अपडेट हम दे रहे हैं। उन्नाव गैंग रेप केस में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर एक और FIR दर्ज की गई है। हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें विधायक के भाई मनोज सेंगर भी नामजद हैं। मामले में आरोपी रिंकू के खिलाफ भी FIR की गई है। 10 नामजद और 15 से लेकर 20 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। धाराएं आपको बता दूं, IPC की 302, 307, 506 और 120B यानी आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं। विकास गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस की तरफ झुकाव। वरिष्ठ पत्रकार सुदीप मिश्रा हमारे साथ है। गुड इवनिंग सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज पर आने के लिए। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, अभी जो मैंने इवेंट्स बताए, पहले लड़की का रेप होना, फिर पिता को खो देना, फिर अहम गवाह की मौत हो जाना, फिर अपनी मौसी और चाची को खो देना, और सर ये कोई बॉलीवुड स्क्रिप्ट नहीं बता रही हूं मैं दर्शकों को, या ये कोई डेली सोप नहीं है, नाटक नहीं आता ये किसी एंटरटेनमेंट चैनल पर, ये रियल लाइफ में किसी के साथ हुआ है और हर बार एक ही विक्टिम है। सर ये बताने के लिए काफी है, सिस्टम में कहीं ना कहीं बार बार चूक हो रही है। देखिए अदिति जी, इसके अलावा कुछ और तथ्य भी हैं जो तथ्य शायद पेश नहीं किए गए हैं, उनको भी साथ में पेश करना चाहिए। यह भी बताना चाहिए कि माखी गांव के जिस गांव का यह मसला है, ये दोनों परस्पर आपस में पटीदार हैं, जिन लोगों के बीच में आपस में पहले से नाते रिश्ते रहे हैं और दोनों एक साथ ही साथ खाते पीते रहते रहे हैं और दोनों के बीच में परस्पर कई प्रकार के मुकदमे दर्ज रहे हैं, ये भी साथ में बताना चाहिए। ये भी साथ में बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीड़िता की तहरीर पर FIR दर्ज की थी और 164 का बयान उन्होंने कोर्ट में जाकर के क्या दिया था, उसके आधार पर पुलिस ने उस प्रकार की कार्रवाई की थी। जब इस पूरे मामले को लेकर के पीड़िता ने मुख्यमंत्री जी को मिलने का प्रयास किया, आत्मदाह का प्रयास किया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक SIT का गठन किया था और SIT के गठन के बाद CBI इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और CBI ने इस पूरे मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करने का काम किया है, जिसमें CBI कोर्ट लखनऊ में समय ट्रायल चल रहा है। यह भी साथ में बताना चाहिए। यह भी साथ में बताना चाहिए कि CBI की चार्जशीट में एक आरोपी, एक गवाह यूनुस नाम से, उसकी इस बीच में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद पीड़िता के पक्ष से परिजनों की ओर से यह आरोप लगाया गया और टीवी चैनल्स पर डिबेट हुई कि उसकी जानबूझ करके संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या की गई है और उसमें कब्र से निकाल करके सब का पोस्टमार्टम हुआ और उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट यह आई कि किसी प्रकार की किसी साजिश का कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं और उनके परिजनों ने इस बात के साथ आरोप लगाया कि पीड़िता के पक्ष परिजनों की ओर से 8 लाख रुपए की इस बात के लिए रिश्वत दी जा रही थी कि वो मनचाहा बयान उसकी ओर से लिखवा सके। ये भी एक तथ्य है, ये भी एक तथ्य है कि पीड़िता ने अपनी मार्कशीट में अपनी जन्मतिथि और मार्कशीट ही फर्जी बनवाई थी। इस बात को लेकर के भी कोर्ट ने FIR दर्ज कराई। सर सुनिए आप, आपकी इनसेंसिटिविटी पर मुझे गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल, लेकिन मैं चाहती थी कि आप बोले और दर्शक सुने। पीड़िता ने अपने पिता, पीड़िता का पहले रेप होता है सर, हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका रेप हुआ है, फिर वो अपने पिता को खो देती है, फिर एक गवाह की मौत होती है, 24 घंटे पहले वो अपनी चाची और मौसी को खो देती है सर, 4 मौत हो जाती है। उस पर आप तथ्य पेश नहीं करेंगे सर? उस पर नहीं करेंगे आप तथ्य पेश? विकास गुप्ता अदिति जी, नहीं, किसी की भी मृत्यु का होना, इन्होंने इतनी लंबी सैलरी त्रिपाठी जी ने गिनवा दी, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि पीड़िता को 1 साल लग गया FIR रजिस्टर कराने में। 1 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही कोई FIR रजिस्टर हुई और उन्नाव के वो MLA
खुद जाकर के मुख्यमंत्री विकास जी आपको जानकारी नहीं है, उनको अरेस्ट, आपको विकास जी जानकारी नहीं है, आप तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करके आइए। एफआईआर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सबसे पहले दिन ही दर्ज करने का काम किया था, और एफआईआर दर्ज करने के बाद 164 के बयान भी हुए। आप कांग्रेस और बीजेपी नारी की अस्मिता का सवाल है, तथ्यों से आप जैसे लोगों की बात नहीं है। कुलदीप सेंगर के विरुद्ध पहले भी एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें पीड़िता ने 164 के बयान में अपने बयान को वापस लिया को लग गया जाकर के एफआईआर रजिस्टर कराने में, और जब मीडिया का प्रेशर अरे भाई आपके पास जानकारी नहीं है, आप बिना जानकारी के डिबेट में बैठे हैं, क्या जानकारी नहीं है कि उस मामले में एफआईआर पहले भी दर्ज हुई थी, और इस एफआईआर के बाद मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान में पीड़िता ने अपने आरोपों से इनकार किया था। कौन सी 164 का बयान रेप मैटर्स में? अरे आपको जानकारी नहीं है कि जिस तारीख को रेप की बात कही गई है उसके बाद एक एफआईआर लॉज हुई थी, जिस एफआईआर में 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए थे। राकेश त्रिपाठी, लीगल प्रोसेस के पीछे सर चार लोगों की मौत के तथ्य को छिपा नहीं पाएंगे आप सर। हम जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सर, आपकी पार्टी बहुत बात करती है ना महिला अधिकारों के साथ, सुनिए मेरी बात, बिल्कुल नहीं छिपा पाएंगे, देश में कानून का राज है, बिल्कुल नहीं छिपा सकते हैं। राकेश त्रिपाठी जी सुन लीजिए मेरी बात सर, आपसे मैं कम से कम आपसे मैं ये उम्मीद कर रही थी, क्योंकि आपकी पार्टी महिला अधिकारों की सर बहुत महिला अधिकारों की दुहाई दी जाती है। अगर मैं आपसे आज इतनी संवेदनशीलता की उम्मीद कर रही हूँ कि आप पीड़िता के पक्ष में बोलेंगे तो गलत उम्मीद कर रही हूँ क्या सर मैं? हाँ, हम जिसके बारे में बात करें वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है सर, नहीं, वो लड़की इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है सुधीर मिश्रा, हम बिल्कुल बचाव करने के लिए बैठे हुए हैं, पीड़िता के पक्ष में बोल रहे हैं। आपने कहा मान लिया कि मैं कुलदीप सेंगर के पक्ष में बोल रहा हूँ? आप उन्हीं के पक्ष में कैसे मान लिया मैं कुलदीप सेंगर के पक्ष में बोल रहा हूँ? मेरा सवाल सुधीर मिश्रा से है, राकेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीबीआई की जांच कराई है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीबीआई जांच कराई है सर। आपसे अभी एक और सवाल है, चिंता मत कीजिए, बहुत सवाल है आज आपसे, दीजिएगा सबके जवाब। अभी सुधीर मिश्रा को सुनिए। सुधीर मिश्रा आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आई नहीं रही। हाँ आप आवाज आई है जी। ये जो पूरा मामला है जो राकेश त्रिपाठी जिस तरह यहां तथ्यों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं सर, एक ही बार हर बार एक ही विक्टिम कैसे सर? पता तकनीकी खामी के चलते उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हमारे साथ नईम अब्बास भी जुड़ गए हैं। नईम अब्बास अब आ गई? जी सर जी आ गई आवाज। हाँ अदिति जी, इस वाले इस पूरे मामले में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राकेश त्रिपाठी जी क्या बातें कर रहे हैं। राकेश जी को यह बोलना चाहिए कि जिस तरह से पुरानी सरकारों में इस तरह के मामलों में लीपापोती की जाती थी, हमारी सरकार नहीं करेगी। पता नहीं क्यों ये डिफेंड कर रहे हैं इन चीजों को, जो हो रहा है इनको डिफेंड करने की जरूरत क्या है? अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उस पर पूरा एक्शन होना चाहिए, और इनको समझना चाहिए कि इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते हैं कि गवाही के दौरान ही इस पीड़िता जा रही है और उसके साथ उसका मर्डर हो जाता है, और ट्रक के नंबर पुते हुए होते हैं, रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही होती है, ये सारी चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? इनको ये कहना चाहिए कि हमारी सरकार बहुत सख्ती से इस पे कार्रवाई करेगी, ना कि किसी भी तरह से इसको डिफेंड करने की कोशिश की जानी चाहिए। बिल्कुल, एक एक छोटा कॉमेंट नईम अब्बास आपका भी ले लेती हूँ यहाँ पर। मैं सुधीर जी राकेश जी एक साथ जवाब दीजिएगा सर प्लीज। हाँ देखिए अदिति जी, बहुत शर्मनाक बात है ये। आप देखिए उस बच्ची का बलात्कार हुआ, और जब उसके वालिद एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो उन्हीं को पकड़ लिया जाता है, उनको पुलिस कस्टडी में बहुत मारा जाता है, उसके दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बावजूद एक जो और गवाह था उसका भी मर्डर हो जाता है। आज आप देखिए जिस तरीके के उस पीड़िता को आज वो मिलने या अपने चाचा से जो मिलके आ रही थी, उसके चाचा का भी देखो चार चार मामलों में उसके अगेंस्ट भी एफआईआर दर्ज हो गई, वो भी जेल चले गए। इंसाफ तो नहीं मिल रहा आज उनका, जो है उसकी माँ का और शायद चची का, दोनों का मर्डर कर दिया एक तरीके से, ये मर्डर ही कहूंगा मैं, और तो कुछ नहीं कहूंगा। मौसी और चाची और वो उसके वकील की भी आज हालत इतनी नाजुक है कि मुझे लगता नहीं है कि वो दोनों भी बच पाएंगे। ठीक है, क्या हो क्या रहा है, जंगल राज चल रहा है, क्या हो क्या रहा है? और आप सफाई दे रहे हैं, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने सुरक्षा नहीं मांगी थी, उन्होंने तो खुद स्वयं अपनी सुरक्षा मांगी गई थी, और वो कह रहे हैं कि गाड़ी में जगह नहीं है, जगह नहीं होने की वजह से वो सुरक्षा बल उनके साथ नहीं जा पाए, ये जिम्मेदारी बनती है उनकी? कमाल की बात है साहब कि डीजीपी साहब भी अपना पल्ला झाड़ के बैठ गए कि उन्होंने तो सुरक्षा लेने से मना ही कर दिया,
और वो किस तरीके की तथ्य हो रही है। नईम अब्बास जी बताइए, ये एक फैक्ट है, हम सरकार के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये योगी आदित्यनाथ का बड़ा इम्तिहान है, लेकिन ऑपोजिशन पूरी लड़ाई ट्विटर पर ही लड़ लेगा, सोशल मीडिया पर ही लड़ लेगा, ऐसे ही दिलाया जाएगा इंसाफ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ये लगता है किसी को इंसाफ दिलाना ही नहीं है, किसी को अपनी सियासी रोटी सेकनी है, किसी को खुद को बचाना है, किसी को अपने एमएलए को बचाना है, बस यही गेम खेलना है आप लोगों को मिलके। राकेश त्रिपाठी आज देखा देश ने आजम खान पर कैसे पूरा मुल्क एक साथ खड़ा हो गया, क्योंकि महिला से जुड़ा हुआ मसला था। सर आज भी ये पूरा देश आपको देख रहा है, आज भी ये पूरा देश उस पार्टी को देख रहा है जो महिला अधिकारों की बात करती है, बिल्कुल। और अगर ये कांग्रेस का एमएलए होता सर तो आप क्या कहते? चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ लेती हूं, अगर यही आरोप कांग्रेस के एमएलए पर लगा होता सर तो अब तक तो आपने इस्तीफा करा लिया होता? आपकी चाल चरित्र चेहरा ये है सर। देखिए आदित्य जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी बात कहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। देखिए ये नैरेटिव सेट करना कि मैं विधायक कुलदीप सिंह सेगर के पक्ष की बात कह रहा हूं, ये एक पूर्व अनुमान, आपका जो पूर्व धारणा है इससे अगर परे हट करके बात करेंगे तो मुझे लगता है जरूर आप मेरी बात सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए एसआईटी की एक जांच बैठाई और एसआईटी की जांच के रिकमेंडेशन के आधार पर सीबीआई जांच को हमने इस पूरे मामले को सौंपा, जो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में विधायक को चार्जशीट करने का काम किया है और सीबीआई कोर्ट इसका ट्रायल कर रही है। जो भी घटना घटी है उस घटना पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच कर रही थी, उसके बावजूद भी दो लोग का मर्डर हो गया। मेडिकल बीजेपी मॉनिटर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री स्वयं अपने विधायक को सस्पेंड तो कर नहीं पाए, निलंबित तो कर नहीं पाए, हम साक्षी महाराज जाते हैं उनसे मिलने के लिए, ठीक नहीं है। थैंक यू बोलने के लिए राजनीतिक तौर पर जो लोग राजनीति चल रहे आ रहे हैं कि हमने अन्याय किया है, हम न्याय नहीं कर रहे हैं, ये पूरी तरह से राजनीतिक आरोप है। आज जो भी कार्रवाई राज्य सरकार को करने की अपेक्षा होती है वो सारी कार्रवाई करने का काम राज्य सरकार ने किया है, बावजूद इसके आरोप लगाना ठीक नहीं है। आप रुकिए एक मिनट, नहीं अब्बास नहीं निलंबित हैं सर, पार्टी में है ना, भाजपा से निलंबित विधायक नहीं, नहीं एक सेकेंड, पार्टी में है ना, नहीं नहीं निलंबित हैं सर, निलंबित है ये, प्लीज मुझे टेक्निकल मुझे मत दीजिएगा, नहीं निलंबित है। आपने उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की, आप मुझे ये बताइए, खत्म क्यों नहीं की सदस्यता? नहीं उनको सदस्यता, उनकी सदस्यता निलंबित की गई है, अभी तक याद है, उनकी सदस्यता निलंबित की गई है, जब तक वो आते हैं तब तक उनकी सदस्यता निलंबित की गई है। आज आप मुझे वही ग्राउंड दे रहे हैं, निलंबित कब हुए हैं आदित्य, आप जवाब दीजिए, निलंबित कब हुए दिखाइए, उनकी सदस्य रद्द कब हुई होता है, आप डेट दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा नहीं है, अभी वो नहीं है, नहीं है। और अरे आप देखिए साक्षी महाराज जाते हैं जेल मिलने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए, जिताने के लिए, कमाल की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, विक्रम सिंह जी आ गए हमारे साथ, अरे भाई अभी आप राजनीतिक जमात, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, मुझे मैं भी राजनीतिक बताना सर। मेरा सवाल आपसे ये है सर, जिस तरह की प्रोटेक्शन पीड़िता को मिली हुई थी सर, उस प्रोटेक्शन में क्या उन सिक्योरिटी गार्ड्स को मैंडेटरी नहीं था उस पीड़िता के साथ ट्रैवल करना? और दूसरा सर, आप तो पुलिस से आते हैं, ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है सर, हर बार एक ही विक्टिम, बार बार उसी का विक्टिम बन जाना, क्या ये महज एक कोइंसिडेंस है? ये हरगिज कोइंसिडेंस ना हो ये मैं उम्मीद करता हूं, और अगर ये एक्सीडेंट है जो कि प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है, ठीक है आप प्रथम दृष्टया इसको एक्सीडेंट मानिए, मगर 72 घंटे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो एक्सीडेंट है तो ड्राइवर के एंटीसीडेंट्स क्या है, मालिक के एंटीसीडेंट्स क्या है, किन परिस्थितियों में पुती हुई नंबर प्लेट की ट्रक महत्वपूर्ण हाईवे पर किस प्रकार इतने लंबे रास्ते को तय किया। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन की बात आपने दीदी कीजिए, ये कोई वैकल्पिक विषय नहीं है, ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। एक प्रोटेक्टी का और सिक्योरिटी कवर का वही संबंध है जो पेशेंट डॉक्टर का है, पेशेंट के कहने पर डॉक्टर इलाज नहीं करता है, डॉक्टर वो इलाज करता है जो कि माकूल है और मुनासिब है, भले ही पेशेंट उससे डिसएग्री करे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रोटेक्टी ने अगर कहा भी था तो पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी थी कि उनका साथ न छोड़ते, उनके साथ जाते, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कराते कि प्रोटेक्टी बिना प्रोटेक्शन के जाना चाहती है, भले ही ग्राउंड रियलिटी पे प्रैक्टिकल चीजें कुछ होती हो, लेकिन ऐसे संवेदनशील मैटर में जब 10 कर्मचारी दिए गए थे तो ये बहुत बड़ी चूक है पुलिस की। ठीक है सर, वेरी गुड, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस पॉइंट। आप बोलिए राकेश त्रिपाठी, आप बोलिए सर।
नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस भी व्यक्ति को सुरक्षा दी जाती है, सुरक्षा कर्मियों का दायित्व है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कराएं, लेकिन एक बात यह व्यावहारिक है कि जिसको सुरक्षा मिली होती है यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ रखे। अगर जिसको सुरक्षा प्राप्त है वही इस बात का आग्रह सुरक्षा कर्मियों से कहे कि वो मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं है, तो व्यावहारिक तौर पर कई बार सुरक्षा कर्मी अपने दायित्व का निर्वहन करने से असफल हो जाते हैं। और देश ने तमाम इस प्रकार के बड़े उदाहरण देखे हैं कि जिनको सुरक्षा प्राप्त है वो अपनी सुरक्षा को छोड़कर के भी कई बार इधर से उधर मूव करते हैं। इस बात की अगर शिकायत पीड़िता की ओर से की गई होती है, सुरक्षा कर्मी जानबूझकर के उसको छोड़ रहे हैं। सर आपने सुना नहीं, उन्होंने क्या कहा कि पेशेंट थोड़ी डिसाइड करेगा कि डॉक्टर को क्या करना है। नहीं, मैंने सुना, मैंने विक्रम सिंह जी को सुना और मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। व्यवहारिक धरातल पर आप इस तथ्य से अवगत है ना कि एसपीजी के प्रोटेक्शन को छोड़कर के भी राहुल गांधी जी विदेश चले जाते हैं। सर, आप हर बात में राहुल गांधी को ले आइएगा। राजनीतिक व्यक्ति मैं यहाँ पर उन्नाव रेप केस की पीड़िता की बात कर रही हूं, उसी पर नहीं कह रहा हूँ। ये व्यवहारिक मसला है। नहीं नहीं, अगर अगर पीड़िता ने इस बात के लिए उनको इनकार किया कि गाड़ी में केवल चार लोगों के बैठने की जगह है, इसका क्या सबूत है आपके पास कि उन्होंने मना किया? इसका सबूत है आपके पास नहीं है तो क्या उसने एप्लीकेशन लिख के दी है? सुरक्षा कर्मियों का प्राथमिक बयान है, मुझे नहीं चाहिए। सुरक्षा कर्मियों का प्राथमिक बयान है, किसका बयान है? अभी भी परीक्षण किया जाना बाकी है। क्या उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है? सुरक्षा कर्मियों ने आज नहीं चाहिए। सुरक्षा कर्मियों ने यह बयान दिया है जिसकी उनके परिजनों ने साथ में की है। कमाल की बात है त्रिपाठी जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने मना कर दिया? कर्मियों ने आधार पे दिया है जिसकी पुष्टि उनके आधार पे कह सकते हैं? बावजूद इसके हम कह रहे हैं क्या आधार है, क्या एविडेंस है? सरकार बताइए ना, उन्होंने पुलिस इस बात की जांच करेगी जिसके बाप का मर्डर हो गया हो, भूमिका जिसके भाई का मर्डर हो गया हो, जिसका चाचा जेल चला गया हो, जिसके आज मौसी और ताई मर गई हो, वो कैसे मना कर सकते हैं? सिक्योरिटी नहीं, तो भी सुरक्षा कर्मियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात को पहले ही तय कर देना गलत बात है। आप कैसे प्रयास कर रहे हैं? राजनीतिक साजिश ही है। हाँ, राजनीतिक साजिश हो सकती है और राजनीतिक साजिश के हर एंगल पर अब्बास। दरअसल एक बात यहाँ मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट करना चाहती हूँ, इसे पार्टी से मत जोड़िएगा। ये हाल इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी का है। रेप पीड़िता की हालत नाजुक है, ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गंभीर है, डॉक्टर्स के मुताबिक पीड़ित वेंटिलेटर पर है, ये अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं सुनिए आप। दोनों की स्थिति अभी भी क्रिटिकल है और दोनों लोग वेंटिलेटर पर हैं। दोनों लोगों को पॉलीट्रॉमा है। पॉलीट्रॉमा का मतलब होता है कई अंगों में चोट लगी हुई है, चेस्ट में भी चोट है, फ्रैक्चर भी है, हेड इंजरी भी है। तो जो सबसे बेस्ट इलाज हो सकता है वो दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दे रखा है और सभी तरह की सहायता भी एक्सटेंड कर रहे हैं। सभी का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है और जो ब्लड वगैरह की आवश्यकता है उसकी पूर्ति निःशुल्क ही की जा रही है और डॉक्टरों का विशेष दल हमेशा नज़र बनाए हुए है। किसी तरह की कोई इलाज में कमी नहीं रहेगी। जो भारत का या दुनिया का बेहतर से बेहतर बेस्ट इलाज है वो उनको दिया जा रहा है। बाकी स्थिति क्रिटिकल में कितना सुधार होता है वो समय ही बताए। तो क्रिटिकल बेहद गंभीर स्थिति है, मेंटल कंडीशन है पीड़िता की और वकील की भी। यही उम्मीद करती हूँ राकेश त्रिपाठी जी, ये योगी आदित्यनाथ का इम्तिहान है। ये इम्तिहान है सबका साथ सबका विकास करने वाले, क्या सबको इंसाफ दिला पाएंगे? इसी पॉइंट पर मैं क्लोज करना चाहती हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और ब्रेक में जाते जाते आपको एक बात फिर से बता देते हैं कि 7 बजे आज के समाचार में हम आपको दिखाएंगे कश्मीर में मस्जिद पर रिपोर्ट से फारूक अब्दुल्ला को क्यों परेशानी।